नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के सुकुहाबाद नारायण इंटर कॉलेज में 5 UP बटालियन सुकुहाबाद द्वारा 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। यह कैंप 4 जुलाई से 13 जुलाई तक चलाया जा रहा है। 5 UP बटालियन NCC द्वारा 10 दिवसीय कैंप का आयोजन नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में किया जा रहा है। इस कैंप में आगरा रेंज के 200 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। आगरा रेंज द्वारा संचालित इस शिविर में कई अधिकारी कैडेटों को विभिन्न एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देते हुए NCC कैडेटों को ग्राउंड पर सिखाने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को इन कैडेट्स के लिए फायरिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। निरीक्षण ब्रिगेडियर अरुण यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर किया। इस दौरान ब्रिगेडियर ने बताया कि शुक्रवार को NCC कैडेटों को फायरिंग कंपटीशन सिखाया गया। इन कैडेटों को थल सेना कैंप के लिए तैयार किया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन सितंबर में किया जाएगा। कहां-कहां से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? ये 5 UP बटालियन शुकाबा द्वारा कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप 4 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगा। इसमें टोटल 200 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के दौरान कैडेट्स को फायरिंग, मैप रीडिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं, और इसी के तहत आज यहां पर फायरिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। इन कैडेट्स की तैयारी हम थलसेना कैंप के लिए कर रहे हैं, जिसका आयोजन DGNCC द्वारा सितंबर के महीने में किया जाएगा। मैं देख रहा हूं यहां पर कैडेट्स अभी जो फायरिंग कर रहे हैं वो बड़ी उम्दा और अच्छी फायरिंग चल रही है, और सभी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कैडेट्स और ट्रेनिंग स्टाफ को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।